जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएस जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर राजस्थान हरियाणा और यूपी की कटऑफ पिछली बार सबसे ज्यादा रही थी, क्या इस बार भी जो पहले वाली कटऑफ है उससे ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी तो किस कारण से कटऑफ कम रहेगी? क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें? बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि पहली बार इस बार एसएससी की तरफ से नेगेटिव मार्किंग ली गई थी। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिल्ली पुलिस में पहली बार कॉन्स्टेबल में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ली गई थी और नेगेटिव मार्किंग का असर सीधा सीधा कटऑफ पे आप सभी को देखा गया। और दोस्तों उसी कारण जो दिल्ली पुलिस की कटऑफ पिछली 75 गई थी, वो दोस्तों इस बार जो आपकी फिजिकल की जो कटऑफ थी वो मात्र 50-55 के ही आके रुक गई। और फाइनल कटऑफ की बात करें तो वो भी 65 और 68 के बीच में ही आके रुक गई थी। तो नेगेटिव का काफी ज्यादा असर देखा गया। पिछली कटऑफ की तुलना करें तो दोस्तों पिछली कटऑफ राजस्थान की सबसे हाई कटऑफ आपको देखने को मिली थी। तो यहां पर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कितने नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं, मैं जो आपको नंबर बता रहा हूं, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपका फाइनली आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी कांस्टेबल में होने के चांसेस है क्योंकि दोस्तों इस बार एसएससी काफी तेज गति से प्रोसेस करवा रहा है और अब आपका रिजल्ट भी काफी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो कम समय में आपको दोस्तों रनिंग में अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं और अगर आप रनिंग में यहाँ पर डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं तो काफी ज्यादा दुख होता है। तो फिजिकल की आप तैयारी आप जरूर कीजिएगा। तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही दोस्तों स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया, अगर वो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप अपने राज्य की कट ऑफ देख सकते हैं 2018 की और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे हाई कट ऑफ वाले राज्य की। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको राजस्थान की देखने को मिलेगी। 2018 की भर्ती मान लो, 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट हुए, सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको राजस्थान और हरियाणा की देखने को मिली है। पिछली कट ऑफ भी राजस्थान की सबसे ज्यादा गई। अब मैं आप सभी को बता देता हूं, ये आपकी जो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद की कट ऑफ है, रो मार्क्स वाली कट ऑफ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर बढ़ने वाले हैं दोस्तों। आपकी पारी का अगर पेपर हार्ड आए, आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन हार्ड आए तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो दोस्तों यहां पे डिटेल से बात कर लेते, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। बिल्कुल राजस्थान की अगर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर दोस्तों आपके 70 से लेकर 75 तक अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा अगर इतने नंबर आपको बन रहे। हो सकता है दोस्तों इससे एक या दो नंबर कट ऑफ कम भी रह जाए, हो सकता है दोस्तों 75 से एक या दो नंबर ऊपर चले जाए, लेकिन जो आपका जो आप ही के द्वारा जो सर्वे किया गया, आपके द्वारा जो कमेंट किए गए नंबर, उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको एक सोते कट ऑफ बताने जा रहा हूं जो कि आपकी दोस्तों आपकी जो कट ऑफ आएगी उसके नियरेस्ट होगी। तो इतने नंबर अगर आपके बन रहे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से और उनके 68 से लेकर 72 नंबर तक बढ़ रहे, 68 प्लस जिनके नंबर बढ़ रहे वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। अब ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये केवल मेल कैंडिडेट की, ये केवल मेल कैंडिडेट की। फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो मैं जितने भी आपको बता रहा हूं उससे कम से कम आप 5 से लेके 10 नंबर तक आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल फीमेल के काफी कम नंबर आए, बहुत सारे राज्य में तो ऐसी बात है कि फीमेल के जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो भी नहीं आ रहे, तो कुछ राज्यों की कट ऑफ काफी कम रहेगी, लेकिन ये बड़े राज्य हैं और यहाँ पर कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको देखने को हर बार मिलती है। तो यहाँ पर ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं 68 से अगर 72 तक अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में एससी की बात करें, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 64 से लेकर 68 के लगभग अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फीमेल की मैं फिर से बता देता हूं, 5 से 10 नंबर जो आपको मैं कटो बता रहा हूं मेल कैंडिडेट की, उससे आप कम मान के चलिएगा 5 से लेकर 10 नंबर तक। वही बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी की इस बार की जो कट ऑफ है दोस्तों 60 प्लस अगर आपके नंबर बढ़ रहे तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की। दोस्तों राजस्थान और हरियाणा की कट ऑफ में बहुत ही कम अंतर आपको देखने को मिलता है, लगभग 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है। तो इस कट ऑफ की अगर बात करें तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से, अगर आपके नंबर बढ़ रहे दोस्तों 68 से लेकर 76 तक अगर आपके नंबर बढ़ रहे तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो और इसी बीच आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है हरियाणा से बिलोंग करते हैं और दोस्तों अगर यहां पर आपके 65 से लेकर 70
या फिर दोस्तों आपके 71 यही आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, मतलब कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपकी राज्य की कट ऑफ एक या दो नंबर कम भी हो सकती है, आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। ये मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आप ही के द्वारा जो नंबर मेरे पास में कमेंट किए गए, जो सर्वे मेरे को पता चला है कि कितने कैंडिडेट हो गए, कितने परसेंट कैंडिडेट हो गए, कितने नंबर आ रहे, उसी के हिसाब से ये कट ऑफ है बनाई गई है। और ये दोस्तों कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अभी फाइनल कट ऑफ आपकी आने वाली है। उसके अलावा ऐसे वाले जो कैंडिडेट है अगर उनके दोस्तों यहां पर 63 से लेकर 66 तक नंबर बन रहे तो उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 58 से लेकर 60 के लगभग नंबर बन रहे हैं, 58 से 60 के बीच यही आसपास आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा आपका बड़ा राज्य है वो है यूपी। यूपी की कट ऑफ अगर राजस्थान और हरियाणा के बाद में तीसरा नंबर रहता है कट ऑफ में यूपी का। तीन बड़े स्टेट है, सबसे ज्यादा कट ऑफ यही देखने को आपको मिलेगी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से तो दोस्तों आपके अगर 65+ अगर आपका 65+ स्कोर बढ़ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट कम से कम लेके यहाँ पर मान के चलिएगा 5 से लेकर 10 नंबर आप कम कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बताता हूँ यूपी से अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है और अगर आपका स्कोर 60+ है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वही बात करें एससी कैटेगरी की, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और अगर दोस्तों यहां पर 58+ अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपको भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वही एसटी कैंडिडेट की जो आपकी कट ऑफ है वो 55+ अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये बड़े स्टेट है, यही तीन स्टेट है जिनकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है, बाकी के जितने भी स्टेट है उनकी धीरे धीरे कट ऑफ कम होती जाएगी। उसके बाद बिहार की कट ऑफ की बात करें, दिल्ली की कट ऑफ है वो भी दोस्तों इनसे यूपी के बाद में कम रहने वाली है। तो ये बड़े तीन स्टेट है जिनकी कट ऑफ दोस्तों यही आसपास है। आपके कितने नंबर बढ़ रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने राज्य की अगर आपने अभी तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप कट ऑफ जरूर देख लीजिएगा एक बार। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ ही दोस्तों अगर आपके कोई भी एसएससीजीडी कांस्टेबल को लेकर बड़ा डाउट है, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, ऑफिशियली बाबू फौजी के नाम से वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।